देश की बेटियों में कितना हौसला है, इसकी ताजा मिसाल पेश कर रही है 10 साल की अग्रिम राशि पटेल, जो साइकिल से मुंबई के रास्ते कटरा पहुंची और कटरा से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर तक का सफर साइकिल पर ही शुरू किया है। बच्ची के साथ उसके पिता भी साइकिल से ही सफर कर रहे हैं। गुरदासपुर पहुंचने पर अग्रिम राशि पटेल ने बताया कि देश और दुनिया को संदेश दिया जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेट्रोल बचाओ और वातावरण को साफ बनाओ। तो 4000 किलोमीटर तक का ये मकसद निकले निकली हूँ क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगा और पेड़ बचाओ और पर्यावरण को बचाओ। क्यों ये मन में ख्याल आ रहा है? जो हमारे देश में कर रहे वो अच्छा नहीं कर रहे, हमारे देश में कुछ अलग ही कर रहे, हमारे देश में जो हमारे लिए सही है वो करना चाहिए। अब कितने दिन के लिए निकले हो, रोज कितने किलोमीटर साइकिल चलाओगे? रोज हम लोग 100 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले हैं और 2 महीने का ये सफर है। YouTube पे सर्च किया कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल राइड, तो बोली बाबा ये मेरे को रिकॉर्ड करने का है। तो बोला दीदी ये तो 4000 किलोमीटर का रिकॉर्ड है। नहीं बाबा मैं करूँगी। तो ये रिकॉर्ड ट्रायल करने के लिए गए महीने में कश्मीर कारगिल टू कश्मीर किया, अमृतसर से अटारी बॉर्डर किया, वो 2 दिन में पूरा सफ़र किया। बोला ये जो हार्ड इतना 2 दिन में कर लेगी तो ये तो महाराष्ट्र के एटमोसफेयर और यहाँ के एटमोसफेयर में बहुत अंतर है। यस यस। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो जिधर जिधर जा रहे सब लोग हमको सपोर्ट दे रहे, और बच्ची छोटी है उसके वजह से तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मुंबई से कटरा तक कैसे गए? तो वातावरण को साफ बनाने का संदेश दे रही है गुरदासपुर पंजाब की ये तस्वीरें, बेहद ही पिता के साथ बेटी की ये खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। साइकिल के साथ कन्याकुमारी तक जाएगी अग्रिम राशि पटेल, इस बच्ची का नाम। 4000 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करेगी, अंदाजा लगाया जा सकता है कितना लंबा सफर है ये, और इस सफर में कई चुनौतियां भी आने वाली हैं। 4000 किलोमीटर,